नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे शरीर के एक ऑर्गेन है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर रिलेटेड तीन सबसे आम बीमारियाँ क्या है, और सारे सारे जो बीमारियाँ उसमें क्या होता है, उसमें मतलब क्या क्या सिम्टम्स होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर्टिकुलरली उनमें से एक बीमारी है गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसके बारे में डिटेल में वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे। अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या ये रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो वो वीडियो अलग से देखना। तो देखो, गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन है बेसिकली, कैसे ये स्ट्रक्चर आपको जानना होगा। जब भी आप गॉल ब्लैडर समझना चाहते हो तो आपको ये चीज़ जानना पड़ता है। ये एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे गॉल ब्लैडर, और यहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, जो पत्ते की तरह दिखता है, ये होता है पैनक्रियस अग्नाशय, और ये आता है हमारे ड्यूओडेनम बोला जाता है, छोटी आंत की एक हिस्सा, स्टार्टिंग पॉइंट ड्यूओडेनम। ये तीनों मिलाकर एक स्ट्रक्चर है, पीछे से ऐसा दिखता है, सामने से ही ऐसा दिखता है, एक मॉडल है, ऐसा स्केल मिनिएचर मॉडल है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब खाना खाते हैं, खाना जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है ड्यूओडेनम में, और स्टमक यहाँ पे ये लीवर ऐसे रहता है, लीवर के पिछले हिस्से पे ऐसे ये गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का ये मौजूद है। अब काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लीवर बाइल सॉल्ट्स, जो नमक खाते हैं, ऐसे नमक होता है, बाइल नमक बोलते हैं, बाइल, वो बाइल सॉल्ट्स को रिलीज करता है। बाइल सॉल्ट्स का काम क्या होता है, अब फैट दे दो और बाइल सॉल्ट्स दे दो, बाइल सॉल्ट्स क्या करेगा, फैट को ना ऐसे ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। उसके बाद एंजाइम्स, जो फैटी, जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो एंजाइम्स रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियास से रिलीज होता है, अग्नाशय से रिलीज होता है। तो इसका काम है फैट को पहले ब्रेक करना, और फिर एंजाइम्स आता है, उसका काम होता है उसको डाइजेस्ट करना। तो हमारे जो फैट डाइजेशन है उसके लिए गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, मगर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, लीवर, क्योंकि लीवर बाइल सॉल्ट्स बनाता है, और इसको स्टोर कौन करके रखता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बनाता नहीं है, सिर्फ स्टोर करके रखता है। अब देखो, ये स्टोर करके रखता है, इसका काम है इसको स्टोर करके रखना। अब जबकि ये चीज़ को स्टोर करना स्टार्ट करेगा, आप किसी भी जगह पे कोई भी चीज़, मतलब पानी, मतलब एक एक, एक कटोरे में पानी भर के रखने की कोशिश कर रहे हो, बहुत दिनों से रखोगे तो धीरे धीरे ना लेयर मिलेगा पानी की, ऐसे एक सिमिलर एनालॉजी है। यहाँ पे ये जब तक स्टोर होता है, तो स्टोर होते होते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते लगते हैं, उसमें स्टोर होने के टाइम पे कुछ कुछ ऐसे चीज़ें उसमें ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते इसका जो थिकनेस होना चाहिए, वो जो बाइल सॉल्ट्स का जो एक लिक्विड जो सिक्रीट होता है, यहाँ से निकलता है, वो लिक्विड का जो थिकनेस होना चाहिए वो चेंज हो जाता है। थिकनेस जब चेंज हो जाता है, उसके वजह से अलग अलग बीमारियाँ सामने आता है। अब कौन कौन सी बीमारी सामने आता है, तीन बीमारी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तीनों बीमारी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। पहला बीमारी जो है स्लज, मैं कहूँगा गॉल ब्लैडर स्लज, वो क्या है, सिर्फ गॉल ब्लैडर का ही जो बाइल सॉल्ट्स है, वो जो लिक्विड है, उसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाएगा, उसको हम स्लज बोलेंगे। अब उसके अंदर क्या रहेगा, कोलेस्टेरॉल रहता है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मली बाइल सॉल्ट यहाँ पे इसके अंदर रहता है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर इसके अंदर आ जाता है तो उससे ये स्लज जो है बढ़ जाएगा, बहुत चिपचिपा जैसा स्लज हो जाएगा। स्लज जब हो जाएगा तब स्लज ना ये चारों दीवार पे डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा स्टोर हो जाएगा। तो गॉल ब्लैडर का जो टोटल साइज है, उसका अंदर का जो डायमेंशन है, वो छोटा हो जाएगा, मतलब नॉर्मली इतना होना चाहिए, अब दीवार पे डिपॉजिट हो रहा है तो धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो जाएगा। और इसका ये जो देखो गॉल ब्लैडर का बॉडी है ये, और ये मुंह है, मुंह का जो एरिया है, डायमीटर है, वो डायमीटर भी ऐसा सूजन जैसा महसूस होगा। ये चीज है गॉल ब्लैडर में स्लज होने के कारण, स्लज होने से ये सब होता है, ठीक है, स्लज हो गया, पहला जो बीमारी है स्लज। अब बात करते हैं स्लज, गॉल ब्लैडर में जो स्लज होता है, इस स्लज के सिम्टम क्या है, सिंपल सी आंसर है भाई, कोई सिम्टम नहीं है, यह असिम्टोमेटिक है, आपको सिम्टम पता ही नहीं चलेगा। हाँ, शायद हो सकता है कुछ खाना खा रहे हो, रिच खाना, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आप बोलोगे कि पहले तो हो जाता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है, कुछ महीनों से धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है इसीलिए नहीं हो रहा है। ठीक कर सकते हो आप, कैसे ठीक कर सकते हो, आप कोलेस्ट्रॉल कम लो, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, आपको बॉडी की कोलेस्ट्रॉल कम करना है, फैटी फूड कम खाना है, ऑयली चिपचिपा खाना कम खाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, तो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बीमारी पर, और वो है पॉलिप्स, गॉल ब्लैडर पॉलिप।
गॉल ब्लैडर पॉलिप क्या है? गॉल ब्लैडर पॉलिप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाइट कलर का, सफेद रंग का ये चीजें देख रहे हो आप गॉल ब्लैडर की दीवार पे, ये गॉल ब्लैडर पॉलिप। पॉलिप का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। ट्यूमर जानते हो आप? ट्यूमर मतलब हमारे शरीर कोशिका से बना है। अब कोशिका डिवाइड होता है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे। तो डिवाइड होते होते ज़रूरत से ज़्यादा अगर डिवाइड हो जाए तो जगह ऐसे फूल उठता है ऐसे, तो वो ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, अब ट्यूमर जब स्टार्ट होता है इंटरनल ऑर्गेन में, तब ट्यूमर के अलग अलग फेयर हैं, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक तरीके का ट्यूमर है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं वहाँ पे पॉलिप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के अंदर पॉलिप होता है। ठीक है, वैसे ही आप देखो तो यूट्रस के अंदर पॉलिप होता है, किडनी में भी पॉलिप हो सकता है और गॉल ब्लैडर में भी पॉलिप हो सकता है। मतलब गॉल ब्लैडर की दीवार के जो अंदर की कोशिका वो ग्रोथ ज़्यादा हो गया तो वहाँ के ट्यूमर जैसे ऐसा सफ़ेद रंग का आप देख सकते हो, ये है पॉलिप। अब लोग डर जाते हैं पॉलिप से क्योंकि ट्यूमर मतलब वो कैंसर के साथ रिलेट करने लगते हैं लोग। काफ़ी हद तक ये है कि ट्यूमर जो है वो बिनाइन होता है मगर वो कैंसर नहीं है, और कुछ ट्यूमर्स हैं जो मैलिग्नेंट मतलब वो कैंसरस होते हैं। ट्यूमर के अलग अलग फेयर हैं। पॉलिप जो होते हैं अंदर की, मैक्सिमम केसेस में ही पॉलिप कैंसरस नहीं होता है, मगर एक पॉलिप से कैंसर हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं। तो अगर गॉल ब्लैडर में किसी इंसान की पॉलिप मिले उससे क्या सिम्टम्स आए? गॉल ब्लैडर पॉलिप की सिम्टम भी ना के बराबर है, यही दिक्कत है, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन नहीं जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होने से ही आप कुछ फील करोगे, नहीं करते हैं लोग। इसीलिए जब लोग जाते हैं हॉस्पिटल में उनको कहा जाता है आप गॉल ब्लैडर पूरा गया, आपको काट के फेंक देना पड़ेगा, लोग बताइए कल तक मैं सब कुछ ठीक कर, आज क्यों? क्योंकि वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, साल भर चलता है, मालूम नहीं पड़ता लोगों को। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर पॉलिप से मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर केसेस में ऐसे सिम्टम्स आता नहीं है, मगर आता भी है तो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वहाँ पे? कभी कभी आपको हो सकता है कि उल्टी जैसा फीलिंग आना, ये हो सकता है उल्टी जैसा फीलिंग आना, कुछ खाना खाए मतलब ऐसा हो सकता है कि रिच खाना खा लिए, ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिए तो उल्टी हो जाएगा, उल्टी बार बार होगा, दो तीन बार, फिर जब उल्टी की टैबलेट लेंगे या फिर इंजेक्शन लेंगे ठीक हो जाएंगे, फिर अब फिर नॉर्मल रहेंगे कुछ दिनों के लिए। तो ये प्रोसेस होता है, एक सिम्टम होता है। अब लोग बोलेंगे उल्टी है, इंडाइजेशन से उल्टी होता है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये है पॉलिप के सिम्टम। अब पॉलिप अगर है तो आपको क्या करना चाहिए वो बाद में बताते हैं, अभी चलते हैं तीसरी बीमारी पे। सबसे कॉमन और आम बीमारी गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये यहाँ पे देख सकते हो, गॉल ब्लैडर स्टोन है। ठीक है, गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या होगा? इसमें भी वही बात है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम और कार्बोनेट जैसे चीज़ें एक साथ मिलके खिचड़ी पकता है और उससे बनता है पथरी, और वो पथरी वहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब एक गॉल ब्लैडर में बहुत सारे पथरी हो सकता है, या फिर दो तीन बड़े पथरी हो सकता है, या पथरी गॉल ब्लैडर में रहेगा। अब गॉल ब्लैडर में अगर पथरी रहता है तो उसका भी सिम्टम शुरुआत में नहीं होता है, हो सकता है 6 महीने, 1 साल कुछ नहीं हो, फिर धीरे धीरे खाना खाने के बाद या फिर पहले इस जगह पे दर्द महसूस होता है। ऐसा नहीं कि दबाने से दर्द, नहीं, नेचुरली अंदर से एक दर्द होगा, क्रैम्पिंग जैसा, दबदबा ऐसा फील होना, ये चीज़ होने लगता है, ये एक सिम्टम है गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, और अगर कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो में ये पथरी यहाँ से आकर, ये एक पाइपलाइन है देखो, गॉल ब्लैडर से होता हुआ ये ड्यूओडेनम में जाता है जो छोटी आंत में जाता है, इसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। बाइल डक्ट को अगर ये ब्लॉक कर दे, पथरी होके आके यहाँ पे ब्लॉक कर सकता है, अगर ये ब्लॉक कर दे तो बाइल सॉल्ट्स आ नहीं पाएगा और उससे चलते लीवर का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा। लीवर के फंक्शन जब भी गड़बड़ हो जाएगा तो आपकी बॉडी में बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा, मतलब विजिबल जॉन्डिस हो जाएगा आपको। तो जॉन्डिस होना भी रिलेटेड सिम्टम है विद गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ हो सकता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस बहुत प्रकार के होते हैं, ये एक प्रकार का जॉन्डिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में।
अब आपको बता देते हैं, तीनों अलग अलग बीमारी बात करी है हमने, और एक चीज यहाँ पे है, देखो यहाँ पे अंदर की तरफ देखा गया, ये है घाव। आप देख सकते हो रेड कलर के यहाँ पे घाव जैसा दिखता है, तो गॉल ब्लैडर के दीवार के अंदर ऐसे घाव हो सकता है, अल्सर जैसा हो सकता है, या फिर यहाँ से कैंसर भी हो सकता है। ये अलग चीज है, ये बहुत ही रेयर है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मगर ये तीनों बीमारी, गॉल ब्लैडर स्लज, गॉल ब्लैडर पॉलिप्स और गॉल ब्लैडर स्टोन, सबसे तीन कॉमन आम बीमारी होता है गॉल ब्लैडर की। अब बात करते हैं सारे के सारे गॉल ब्लैडर जो बीमारी है, ये गॉल ब्लैडर बीमारी की डायग्नोसिस कैसे करना है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप में गॉल ब्लैडर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। गॉल ब्लैडर की गड़बड़ी पता नहीं चलता है जब तक ना आपका कुछ सीरियस इशू आए, क्योंकि लोग ऐसे तो रेगुलरली चेकअप नहीं करवाते। अगर आपकी एज 40+ हो चुका है और आप बाहर काम करते हो, बाहर की खाना ज़्यादा खाते हो, तो लाजमी है कि साल में एक बार आप जो है बॉडी की सारे के सारे जांच करवाएं, और वो ब्लड टेस्ट से उतना पता नहीं चलेगा, आपको यूएसजी करना पड़ता है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द अपर एब्डोमेन करना पड़ता है, उसके बाद ही पता चलता है। तो टेस्ट क्या है? अल्ट्रासाउंड ऑफ अपर एब्डोमेन, उससे गॉल ब्लैडर में अगर कोई स्टोन है पता चल जाता है, स्टोन की साइज पता चल जाता है, और अगर स्टोन जाके फंस गया है बाइल डक्ट पे, तो उसको जानने के लिए या तो एक्सरे किया जाता है विथ ईआरसीपी, जिससे कि एक प्रोसेस से स्टोन को निकाल दिया जाता है, क्योंकि किसी के स्टोन अगर फंस जाता है तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे आ जाता है, उसको इमीडिएट तुरंत इलाज चाहिए। तो एक प्रोसेस से एंडोस्कोप मुंह से अंदर ऐसे इंसर्ट किया जाता है, और उसको काट के जो स्टोन को निकाल दिया जाता है, वापस स्टेंट घुसेड़ दिया जाता है, और स्टेंट को भी 2-3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के, समटाइम्स मतलब 60 दिन 65 दिन ऐसे के बाद रिमूव कर दिया जाता है, फिर नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। मगर उसको एक तो है वो, जब वो टेक्निक चलेगा तब एक डाई कलर वहाँ पे दिया जाता है, फिर एक्सरे किया जाता है, ताकि उससे भी पता चल जाता है पूरा पिक्चर कि गॉल ब्लैडर रिलेटेड जो भी ट्रैक्ट है, सारे ट्रैक्ट ओपन है या नहीं, ठीक है। या फिर उससे भी थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, एमआरसीपी बोल के एक टेक्निक है, जहां पे एमआरआई यूज किया जाता है, एमआरआई टेक्निक को यूज किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसको यूज करके पूरा जो ये जो पूरा हेपाटो बिलियरी जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम हेपाटो बिलियरी कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, ये पूरा एरिया लिवर से होता हुआ यहाँ पे पैनक्रियस है, इसके बाद यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, ड्यूओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारी ये जगह का पूरा पिक्चर आ जाता है क्लियर, मतलब कौन सी ट्रैक में कुछ है या नहीं, ट्रैक की डायमीटर क्या है, ट्रैक की लेंथ क्या है, सारे कुछ आ जाता है कच्चा चिट्ठे। उसके बाद बहुत आसान हो जाता है कि कोई सर्जरी करना है तो डिसीजन लेना, या फिर उससे रिमूव करना है तो डिसीजन लेना। तो ये डायग्नोसिस है। और अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण, मतलब मालूम है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है, आप मेडिसिन ले रहे थे, लेते लेते आप देख रहे हो अचानक से आपको जॉन्डिस हो गया है, तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाइए और ईआरसीपी प्रोसेस को फॉलो करें। ईआरसीपी से आपको तुरंत राहत मिल जाएगा, विद इन 24 आवर्स आपकी बिलरुबिन की मात्रा घटेगा। तो अगर स्टोन के कारण जॉन्डिस होता है तो ब्लड में अगर देखें, लिवर फंक्शन टेस्ट LFT करना है आपको, उससे आपके SGPT SGOT की मात्रा ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपका बिलरुबिन का मात्रा भी ज़्यादा मिलेगा। कुछ कुछ केसेस में SGPT SGOT तो 1000, मतलब 500 से ऊपर, 700 800 1000 तक भी हो जाता है, इतना हो सकता है, तो वो एक इंडिकेशन हो जाता है। ये डायग्नोसिस है, गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई भी बीमारी का डायग्नोसिस एक ही है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे, जो कि गॉल ब्लैडर रिलेटेड ट्रीटमेंट, गॉल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर की जो बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सही ट्रीटमेंट क्या है। आपको एक चीज मैं सलाहकार के तौर पे बता सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये वीडियो सलाहकार के तौर पे, आपका एक नेबर है जो फिजियोलॉजी थोड़ा आता है, जिसको आपको ये चीज़ें समझाता है, ताकि आपको खुद को पता चले कि शरीर में क्या चलता है और आप उससे प्रॉपरली मदद ले पाए। तो बात यह है कि जब भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर रिलेटेड, डायग्नोसिस हो चुका है, राइट, सोच लेते हैं डायग्नोसिस हो चुका है, पता चल गया गॉल ब्लैडर स्टोन है, स्टोन की साइज देखना है, स्टोन की साइज लिखा हुआ रहेगा यूएसजी रिपोर्ट में, 1.2 2 3, लाइक 2.5 to 3, इतना इस ये जो जो सेगमेंट है, ये जो साइज है स्टोन का, ये जो साइज है, ये यहां तक का स्टोन को ना मेडिसिन से डिजोल्व कर सकते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिन, दवा, दवा देके स्टोन को हम
क्या कर सकते हैं, गला सकते हैं, ओके, बिगला सकते हैं, सॉरी बिगला सकते हैं। तो हम बिगला सकते हैं स्टोन को, और जब स्टोन बिगल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर एक चीज आपको बता दें, वो बाद में आ रहे हैं, कभी भी कोई भी आप काम कर लो, अगर स्टोन एक बार फॉर्म हो रहा है आपकी गॉल ब्लैडर में, इसका मतलब है आपकी गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलता है। क्योंकि अगर गॉल ब्लैडर ठीक से काम करना है अपना, तो ना तो उसमें स्टोन होगा ना तो उसमें स्लज होगा। हाँ पॉलीप हो सकता है, मगर स्टोन और स्लज तो नहीं होगा। अगर स्टोन और स्लज हो रहा है, इसका मतलब है आपके गॉल ब्लैडर ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर अगर आप स्टोन को रिमूव भी कर दो, बिगला भी दो, फिर भी फ्यूचर में आपका स्टोन होने का चांसेस रह ही जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। मगर फिर भी लोग चाहते नहीं है सर्जरी करने के लिए, मेडिसिन दवा तब तक चलेगा छोटे स्टोन है। अगर स्टोन की साइज बड़ा है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, लिथोट्रिप्सी है और कोलेसिस्टेक्टोमी है। लिथोट्रिप्सी का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी वेव यूज़ करके स्टोन को एकदम नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, फिर उसके बाद मेडिसिन देकर उसको रिमूव कर देना, ये लिथोट्रिप्सी है। बहुत मतलब ये इन्वेसिव नहीं है, ये टेक्निक बिल्कुल ही इन्वेसिव नहीं है। आपको सर्जरी मतलब कोई छेद वगैरह कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं किया जाएगा, बाहर से ही हो जाता है। बाहर के देशों में ज़्यादा प्रचलित है, इंडिया में अभी तक लोगों में ये बहुत कम चलता है। किडनी स्टोन पे भी लिथोट्रिप्सी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, लोग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कम किया जाता है। और आखिर जो स्टेप है वो तो है सर्जरी। गॉल ब्लैडर उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको अगर काट के फेंक भी दिया जाए फिर भी आप बिल्कुल सही जैसे ज़िंदगी जी रहे हो वैसे ही जी सकते हो। तो उसमें यही होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन आ रहा है तो डॉक्टर बोलेगा गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, काट के निकाल के फेंक दो, बस दैट्स इट। जैसे अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है, कोई रोल नहीं है। वैसे ही गॉल ब्लैडर का ऐसा नहीं कि कोई रोल नहीं है, पंप करता है स्टोर करके, बनाता नहीं है बाइल सॉल्ट्स को मगर पंप करता है, मगर फिर भी वो चीज़ डायरेक्टली लीवर से आ जाएगा, गॉल ब्लैडर नहीं चाहिए तो काट के वो फेंक देगा, रिमूव कर देगा। सर्जरी के बाद आपको दिखाया जाएगा आपका गॉल ब्लैडर की कंडीशन क्या था, कितना स्टोन्स था, सब कुछ। तो ये है भाई ऑप्शंस आपके सामने। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, लोग यही करते हैं कि भाई सर्जरी नहीं करवाना है, मैं बचा लो, तो स्टोन की साइज जैसा ही हो दवा ले लेते हैं, दवा ले लेते हैं, लेते लेते दो महीने, छः महीने, आठ महीने, दस महीने, साल, दो साल, जब स्टोन बहुत बढ़ सकता है, स्टोन आके फंस सकता है सीबीटी में, जिससे कि जॉन्डिस होगा और जानलेवा कंडीशन आ सकता है, या फिर स्लज अगर ज़्यादा यहाँ पे जम जाए तो उससे क्या होगा, उससे इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इन्फेक्शन अगर पैनक्रियस में आ जाता है तो बहुत ही दिक्कतें बढ़ जाएंगा और लाइफ थ्रेट हो जाएगा, जान भी गंवाना पड़ सकता है। इसीलिए गॉल ब्लैडर सिम्टम्स नहीं पता होता है, गॉल ब्लैडर उतना प्रॉब्लम चीज़ें नहीं है, गॉल ब्लैडर की जो स्टोन उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मगर आपको जब पता चले गॉल ब्लैडर स्टोन है तो एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। स्टोन की साइज़ अगर बहुत ही छोटा हो तब जाके आप उसको मेडिसिन से गलने की प्रोसेस करें, अदरवाइज आप इसको निकाल के फेंक दें। दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन दैट यू कैन टेक, ये चीज़ आप ध्यान में, ठीक है। और अगर गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में डिटेल में आपको जानना है, इसके लिए अलग से मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, सारे के सारे सर्जिकल प्रोसेस को डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।